माइनक्राफ्ट बेस्ट सेलर फॉर पॉकेट एडिशन। आई नो अभी इस टॉपिक पर आप लोग बहुत सारे वीडियो देख चुके होंगे, लेकिन वीडियो में दिखाया गया सेडर किसी भी डिवाइस में काम नहीं कर रहा। अगर रेंडर डेकन माइनक्राफ्ट में सेडर रिमूव हो गया तो फिर NDRSS ये वाला सेडर क्यों चल रहा है? खुशी की बात सेडर स्टॉप नहीं हुआ, पता चलती बड़े बड़े मोडर्स अपना काम करना शुरू कर देता है। सेडर इस वाले वर्जन में वर्क नहीं करेगा, इसके लिए चाहिए दूसरा वर्जन जो मोडर्स ने तैयार किया। और माइनक्राफ्ट में टॉप 5 सेडर बेस्ट सेडर ऐसा कुछ नहीं होता, गेम में पर्टिकुलर कुछ कुछ आइटम का टेक्सचर चेंज करके एक्स्ट्रा विजुअल इफेक्ट देने सेडर का काम एक सेडर पूरा गेम चेंज नहीं कर सकता। नाउ इस वीडियो से पॉकेट एडिशन सेडर प्रॉब्लम बिल्कुल खत्म हो जाएगा, सारे ओल्ड सेडर तो काम करेगा ही। इसी के साथ 1.20 में रिलीज हुआ नया सेडर को भी चला सकते हो। माइनक्राफ्ट बहुत अच्छा गेम, नॉर्मल ग्राफिक्स में ठीक ठाक सा ही चलता है, लेकिन सेडर के साथ खेलने में गेम का असली फीलिंग आएगा। हमारी रियल लाइफ से ये गेम काफी मिलता जुलता है और सेडर ऐड करते हर एक आइटम रियलिस्टिक हो जाएगा, जैसे कि स्काई, सन, एयर में मूविंग एनिमेशन, वाटर से रिफ्लेक्शन, रियल टाइम शैडो और भी बहुत सारे। आप लोग समझदार हो तो पता ही होगा जावा एडिशन में BLS वैनिला सेडर कितना पॉपुलर। ऐसे माइनक्राफ्ट इतना पॉपुलर होने का एक बड़ा रीजन सेडर के ऊपर भी आता है, नया प्लेयर को तो रियलिस्टिक माइनक्राफ्ट चाहिए। सबसे ज्यादा माइनक्राफ्ट प्लेयर मोबाइल में अपना गेम प्ले करते हैं देखकर जावा एडिशन का सेडर मोबाइल में रिलीज किया गया था, इसलिए 1.16.17 उस टाइम में अच्छा अच्छा सेडर रिलीज हुआ। अभी तो इससे भी बेस्ट टॉप टॉप सेडर आ रहा है पर कोई चलता ही नहीं। पहले से अभी का माइनक्राफ्ट गौर से नोटिस करोगे नया नया कितने सारे आइटम गेम में ऐड हुआ है। छोटा मोबाइल इतना लोड नहीं ले पाया इसलिए रेंडर डैगन ऐड करना पड़ा, और डेवलपर गेम से रेंडर डैगन हटा के 1.16 वाला वर्जन 1.20 में लेकर आ गया। ये दोनों वर्जन एक साथ एक ही फोन में खेल सकते हो, तो ये नॉर्मल एम से इसमें सेडर नहीं चलेगा। और ये है MC पैच, ओल्ड न्यू हर तरह के सेडर इसमें चला सकते हो, RTX सेडर भी चलेगा। इसमें रियल टाइम शैडो कैसा लगेगा देखने के लिए वैनिला सेडर ऐड करके देखा। मेरे डिवाइस में 3GB रैम, गेम ओपन होते लैग करना शुरू कर दिया, सेडर एक्टिव हो गया पर खेलने लायक बिल्कुल नहीं। स्क्रीन रिकॉर्ड करके आपको दिखा उससे पहले ही मेरा गेम क्रैश हो गया। तो ये शैडो चलाने के लिए चाहिए 8GB रैम का डिवाइस, इसलिए एक शैडर और एक RTX ऐड करके देखा। लो एंड डिवाइस में बहुत खतरनाक एक्सपीरियंस, नो लैग, स्मूथ गेम प्ले और टेक्सचर के बारे में तो क्या ही बात है, वाटर सबसे ज्यादा रियलिस्टिक हो गया। पहला सेडर ऐड करते ही सिंपल माइनक्राफ्ट एकदम से बदल गया। खेलने से पहले वीडियो सेटिंग में रेंडर क्लाउड ऑफ कर दो, लैग खत्म हो जाएगा। चारों तरफ में पूरा वर्ल्ड कलरफुल हो चुका है, पेड़ के ऊपर सूरज का रोशनी, ठीक नीचे रोशनी के बड़े से शैडो आ रहा है। पहले से कुछ तो इनहेंस हुआ, लो एंड डिफेंस में इतना शैडो ही काफी। सामने पेड़ से भरा हुआ जंगल, धीरे धीरे अंदर जाते डार्कनेस का लेवल किस तरीके से बढ़ गया, मान लो अब शैडो बहुत अच्छे से काम कर रहा है। हर तरह की मॉब ब्लॉक देखने में बिल्कुल 3D जैसा हो गया। यहाँ पर विलेजर, पीक, चिकन देखने में एकदम खतरनाक लग रहा है। सेडर की वजह से धूम में रिफ्लेक्शन आ गया, इसी के साथ नॉर्मल सा ही विलेज एकदम चमक गया है। हर तरह की आइटम टूल देखने में बहुत खतरनाक लगेगा। दिन के साथ साथ माइनक्राफ्ट में नाइट वाला सेडर की वजह से बिल्कुल चेंज हो गया, चमकता हुआ आसमान में पहला नजर जाएगा। जावा एडिशन में BLS सेडर की तरह नाइट में रोशनी दिखाई देगा और केव के अंदर भी सारे ओर्स वगैरह ग्लो करता है। माइनिंग में डायमंड रेस्टोन फाइंड करना और भी आसान हो जाएगा, लेकिन इस सेडर में कुछ कुछ टेक्सचर उतना मजा नहीं आया। सबसे पहले तो वाटर बिल्कुल भी रियलिस्टिक नहीं है, इसलिए दूसरा RTX ऐड किया। एंड फाइनली पॉकेट एडिशन में अधूरा ग्राफिक्स पूरी तरीके से खत्म हो गया। RTX के साथ सबसे पहले सनसेट का व्यू देखो, क्या ही खतरनाक लुक, एकदम रियल लाइफ जैसा। ट्री लीफ ग्रास में एक्स्ट्रा मूविंग एनिमेशन ऐड हो गया, ओपन वर्ल्ड में चलता हुआ हवा के साथ साथ हर टाइम हिलता रहता है। वर्ल्ड में सबसे बड़ा चेंजेस आया रिफ्लेक्शन में, क्योंकि हर तरह की ब्लॉक पूरी तरीके से रिफ्लेक्शन मटेरियल में बदल गया। नॉर्मल जमीन से रिफ्लेक्शन आ रहा है, वाटर से भी आएगा, बहुत सारी ब्लॉक में सूरज की रोशनी पड़ती रिफ्लेक्शन आ रहा है, और विलेजर हाउस से भी रिफ्लेक्शन आएगा। मतलब ऐसा मानो पूरे वर्ल्ड में किसी ने पानी डाल दिया और उसी में से रिफ्लेक्शन आ रहा है। पॉकेट एडिशन का वाटर पूरी तरीके से रियलिस्टिक हो गया, ये जावा एडिशन की तरह सेडर पर मोबाइल में बिल्कुल भी लैग नहीं। रियल वाटर में सनसेट और सनराइज के टाइम पर खतरनाक रिफ्लेक्शन आता है, हर तरह की लाइटिंग आइटम पहले से और ज्यादा ग्लो हो गया, और इसमें भी सारे ओर्स ग्लो करता है। बड़े बड़े केव में माइनिंग करना काफी फायदेमंद, क्योंकि दूर से डायमंड देख पाओगे। सनसेट और सनराइज के टाइम पे बहुत अच्छा स्काई व्यू देखने मिलेगा। नाइट वर्ल्ड पहले से और ज्यादा डार्क हो गया, सिर्फ लाइटिंग आइटम को छोड़कर चारों तरफ में पूरा अंधेरा छा गया है। पहला सेडर नाइट में तो रोशनी कर दिया था, लेकिन इसमें पूरा ही डार्क। जो भी हो, एक सेडर और एक RTX अपने अपने हिसाब से माइनक्राफ्ट चेंज कर दिया। तो जिसके लिए इतना देर तक वीडियो में रुके हो, वन क्लिक में दोनों ऐड ऑन गेम में ऐड हो जाएगा। JRC पर आपसे मोड ओपन करते टाइम एक बार क्लिक करके इस वाले MC में ओपन नहीं करना, नया वाला MC पैच उसमें ओपन करो। ऐड ऑन गेम में आने के बाद रिसोर्स पैक में ऐड करके सारे एक्सपेरिमेंट सेटिंग ऑन कर देना पड़ेगा, उसके बाद ही वर्ल्ड में खतरनाक ग्राफिक्स का मजा ले पाओगे। और बाकी पिन कमेंट चेक करो, तुम लोगों का ही फायदा।